Yo, what's up, fam? I'm pretty fucking dope. So, today's video is gonna be toxic as f. Toxic as f. Okay. So, if I'm saying toxic as f, I mean it with all of my heart. Okay. The world we are living in is very complicated. कोई भी तुम्हें लगता है कि दुनिया बहुत अच्छी है, देश बहुत प्यारा है, बहुत सब कुछ बड़ा fairy tale environment है. I'm sorry to break your heart. That's not the truth at all. तीन ऐसी चीज़ बताऊँगा आज के इस वीडियो में जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आदमी ने अपने अंदर बसा ली तो आई जेनवली बिलीव कि उसका कोई ना तो फ़ायदा उठा पाएगा और एवरी वन वुड वॉन्ट टू बी विद हिम इन स्टेड ठीक है एक चीज़ गाठ मान लेना ये वीडियो अगर तुम एक मॉरल आदमी हो तो मत देखना लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास वो सब चीज़ें हो जो तुम चाहते हो तुम्हारे पास होनी चाहिए तो प्लीज़ देखना बाउट माई सेल्फ आई कैन डू एनी थिंग टू गो अपनी ठीक है तो कुछ कुछ प्रिंसिपल है जो मैं समझाऊंगा पहला प्रिंसिपल शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नंबर फर्स्ट वन इस वीडियो से मैं यूं नहीं करना तुम्हारी तो इज्जत गिरेगी समाज से रिस्पेक्ट देना बहुत ज्यादा चालू कर देगा सो इफ आई कैन टाइटल दिस वीडियो एज Ways to get respect to log optimistic lake in the title. Is this toxic ways to get respect? It's because I know they work and I know the world calls them toxic, but I don't think it's toxic at all. Because the world in itself is a very toxic environment these days. So it's called playing it safe. We are playing it safe. That's what I would prefer it. And that's what I term it. Okay. So let's start this video. The first thing is. ये एक एग्जाम्पल समझाता हूं यह एक आदमी है तुम्हारा दोस्त ये एक आदमी है तुम्हारा दोस्त ठीक है और यह हो तुम इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है ठीक है इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है ठीक है अब द बेस्ट मूव हेयर इज कि तुम्हें इस तरफ से प्रेशर आएगा कि भाई तू मेरे को चूज कर वरना हम बात नहीं करेंगे इस तरह से प्रेशर आएगा कि भाई तू मेरे को चूज कर वरना हम बात नहीं करेंगे बेसिकली बेसिकलीट्स वैपन्स ठीक है तो अगर तुम एक नॉर्मल स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो तुम यहाँ पे चूज करोगे किसी एक पार्टी को कि भाई ओके okay, मेरा तो ये खास दोस्त है तो मैं इसको चूज करता हूँ ठीक है मेरा तो ये खास है ये जिगरी है इसको चूज करता हूँ लेकिन अब प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो कोई खास और जिगरी इतना होता नहीं है सगा भाई सगा होता है अगर यू डोंट हैव अ सगा भाई इन योर लाइफ तो तुम भूल जाओ इस भाईचारे के नाम पे इस दुनिया तुम्हें ना ठोकती जाएगी तो ये कर दे वो कर दे कर सगा सगा होता है सगा भाई इज़ डिफरेंट और मुँह का भाईचारा इज़ डिफरेंट ठीक है करोड़ों में से एक इंसान होगा जो तुम्हारा एक्चुअल में भाई जैसा तुम्हें ट्रीट करेगा लेकिन ऐसा होता नहीं है मतलब भी दुनिया है बहुत बार समझा चुका हूँ बहुत बार समझा चुका हूँ सगा भाई सगा भाई होता है तुम्हें लगता है एक बहुत गाढ़ा भाईचारा है तुम्हें दो मिनट में पैसे में तोल दूंगा दो मिनट के अंदर एक करोड़ ही उसके मुंह में फेंक के मारूंगा आधे तेरे मुंह मुँह फेंक के मारूंगा दोनों एक दूसरे के आसपास पास भी भटकोगे रियलिटी की बात कर रहा हूँ और मैं तुम्हें लगता है बहुत गाढ़ा भाईचारा है मेरा किसी एक इंसान के साथ पूरी उम्र मैंने मानस ही देखे हैं भाई पूरी उम्र मैंने सिर्फ आदमी देखे हैं इंसान ही देखे हैं पूरी उम्र इंसान का फितरत देखे इंसान का नेचर ही देखा है कुछ नहीं होता गाढ़ा भाईचारा तुम्हारे पास आठ डेंट तुम्हारी फैमिली है एक वो औरत जो तुम्हें प्यार करती है और शायद वो करोड़ों में से एक तुम्हारा भाई इसके अलावा वो तुम्हारा सब मतलब का सीन है सब कुछ ठीक है पूरी दुनिया इंसान देखे मैंने ये भाईचारा 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 करके सिर्फ तुम यूज़ होते हो या तुम यूज़ कर लेते हो या तो तुम यूज़ होते हो दो चीज़ होती है बस या तो तुम यूज़ करने वाले बन जाते हो या तो तुम यूज़ हो जाते हो ठीक है दो ही चीज़ होती है कुछ भाईचारा नहीं सगा सगा होता है एंड्रू ट्रिस्टन टेट के रेफरेंस मत उठाया करो सगा है। उनका सब कुछ सगे ने शुरुआत से करिए एक ही माँ थी एक ही बाप था वो चीज़ डिफरेंट होती है उनके लिए इट्स इज़ी टू से माय ब्रदर्स बट वो सगे भाई हैं सगे भाई इट्स डिफरेंट समझो इस चीज़ को सो बैक टू द टॉपिक तुम्हारे पास तुम्हारे पास चॉइस है तुम्हें एक को चूज़ करना है ठीक है एक नॉर्मल ह्यूमन बींग क्या करेगा जिसके साथ उसका लगाव है ठीक है टिपिकल लगाव है उसको चूज कर लेगा इसको लात मारेगा ठीक है एक इंटेलिजेंट आदमी यहाँ पर क्या करेगा जस्टिफाई करना आना चाहिए भाई मेरी इस आदमी से कोई बैर नहीं है ना मेरी तेरे से कोई बैर नहीं है मेरे को यहाँ पे चूज करने का पॉइंट बता दे तू तो एक बार मुंह पे स्ट्रेट अप मुंह पे और अगर यूं बोले कि भाई तेरे को चूज़ करना पड़ेगा वरना मैं चला जाऊंगा मैं बोलूँगा तेरा अगर भाईचारा ऐसा था कि तू मेरे चूज़ करने में चला जाएगा तो भाईचारा था ही कैसा अगर तू जाने की बात कर रहा है किसी एक टॉपिक के ऊपर तो भाई जरा है कैसा जस्टिफिकेशन करना सीखो इस दुनिया के अंदर बहुत काम आएगी समझ रहे हो इस चीज को बहुत काम आएगी इससे फायदा क्या होगा अगर तुम एक इंसान हो ना तो भाई कल को एक सर्ट पर पता है हर एक इंसान खूबी होती है इसकी एक खूबी होगी इसकी एक खूबी होगी कल को तुम्हें इसकी खूबी में काम आएगा यू कैन टॉक टू हिम इसकी खूबी का काम आएगा यू कैन टॉक टू हिम किसी से माई मेन पॉइंट किसी से बैर रख के मत चलो बैर रख के मत चलो अब ना थोड़ी सी लाइक टॉक्सिक लाइन सब सिखाता हूँ किसी की गांड में भी मत घुसो और किसी को नफरत भी मत करो किसी को हेट भी मत करो और उस पोजिशन में भी मत जाओ जहाँ पे लोग तुम्हें नफरत करें न्यूट्रलिटी आसान शब्दों में तो मैं बताऊँ न्यूट्रलिटी रखो किसी के अंदर भी मत घुसो किसी को फालतू भाव भी मत दो चाहे कोई खलीफा हो ठीक है और किसी को इतना वो भी मत करो नफरत भी मत किसी को हेट भी मत दो डोन्ट डू एवरी सिंगल काफी बच्चे रहोगे एनी वेज ओके सो द फर्स्ट पॉइंट आई थिंक इज वेरी कॉमन टू यू किसी से पहली बात हो उस पोजिशन में जाओ मैं जहां पर तुम हेट कर रहे हो किसी को या फिर कोई तुम्हें हेट कर रहा है सबके साथ रहो नॉर्मल नॉर्मल रहो सेलेक्टिव के साथ रहना है अब सेलेक्टिव की बात कर लेते हैं सेलेक्टिव कितना प्यार का फैक्टर तुम्हारे माँ तुम्हारा बाप तुम्हारा खून का रिश्ता प्यार का फैक्टर इनके सबसे ज्यादा ज्यादा होना चाहिए तुम्हारा वो एक भाई जी तुम बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो उसके साथ और तुम्हारी खुद की औरत बस दैट्स ऑल ये तीन स्पेक्टरम्स हैं इससे फालतू तो प्यार किसी के पास तुम्हारा जाना नहीं चाहिए जस्ट दीज थ्री स्पेक्ट्रम्स ऑल यू नीड ठीक है पहली चीज आई होप इट्स क्लियर दिमाग में बिठा लेना ठीक है कभी लड़ाई में पार्ट मत लो किसी की लड़ाई पार्ट मत लो ठीक है कोई चूज करने के लिए बोल रहे हो तो जस्टिफाई करो ठीक है और कहीं फसो मत कहीं पे भी मत फसो सबके साथ रहो एंड ऑल ऑफ थिंग ओके ओके मै बैड गाइज मेरी भांजी आई हुई है ठीक है तो मामू, मामूह सो लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट ओके तो पहला पॉइंट आई थिंक यू आर डन विद इट द सेकंड पॉइंट इज नेवर रिवील टू मच अबाउट यूर सेल्फ टू एनी वन इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट एक्सेप्टीपल यूर क्लोज टू तुम क्या काम करते हो कैसे पैसे कमाते हो क्या करते हो पैसे कमाते हो क्या करते हो और ये सवाल समाज पूछता है ठीक है और द रियालिटीज उनको जानने की जरूरत नहीं है सही बताऊंगे तुम्हें मत बताओ बट इट्स टू कॉम्प्लेक्स तुम्हारी कलों लड़की से बात होती है ठीक है एंड शीज आट डी यू डू तुम स्टोरी तुम डालते हो कि पैसे वाली की घूम रहे हो फिर रहे होज क्यूरियस like, कि तू करता क्या आदि वट डूट जस्ट वन थिंग इट्स टू कॉम्प्लेक्स फॉर यू ब्रेन टू अंडरस्टैंड एंड लीव देशन देयर इट्स टू कॉम्प्लेक्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड्री डोंट टेल एनीम वट डू यू डू कभी भी किसी को समझता तुम करते क्या हो क्यूरेट अ स्पार्क इन यू ठीक है एक इंसान सिर्फ थोड़ी गलती क्या करता है ना वो अपने बारे में ना दुनिया को बहुत कुछ बता देता है बहुत कुछ बहुत कुछ बता देता है जो नेसेसरी नहीं होता इन होप्स ऑफ गेटिंग अटेंशन क्या मुझे बंदा वैलिडेट करेगा मेरे काम को लिए क्यों चाहिए वैलिडेशन क्यों चाहिए अटेंशन सेल्फ वैलिडेट रहो सेल्फ अटेंशन ग्रैप करो दैट्स ऑल यू नीड इन दिस वर्ल्ड समझ रहे हो तो भाई यही चीज है बीटी मतलब ठीक है स्टार्ट वर्किंग ऑन योर अपने ऊपर काम करो किसी का टेंशन काम मत करो कोई पूछे तुम करते क्या हो दैन जस्ट बी 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 वेरी वेरी लाइक कि बहुत कॉम्प्लेक्स काम है तेरे को तो नहीं समझ आएगा लेट सी टॉप विट्स वाइन वन और तुम एक चीज और कर सकते हो इससे कि वन आई नो यू बेटर आई वुड लेट यू नो उससे क्या होगा यू एक्चुअली आर टेलिंग द पीपल टेलिंग द गाय द गर्ल दैट इफ ही पुट्स पुट्स एफर्ट एफर्ट और इफ शी टू टू टॉक मी देन मे बी यू विल टेल हिम बताना तभी भी नहीं है

इंटरनली कोई मुझे अफेक्ट भी नहीं कर पाता एंड आई एम दन कंट्रोलिंग एवरी सिंगल दिस यूनिवर्स हाउ इज इट पॉसिबल मैंने चीजें देख रखी है भाई मैं शेयर कर रहा हूँ तुम्हें तो टॉक्सिक लग रही है कोई बात नहीं बिल्कुल अपोजिट करो एंड यू विल फाइंड यूर सेल्फ इन द सेम सिचुएशन आई वॉज इन विच इज फीलिंग यूज अच्छा यार तुम इसे टॉक्सिक कह सकते हो या फिर यू कैन बी ऑन ऑप्टिमिस्टिकॉल इट यू आर जस्ट कीपिंग योर गार्ड अप्रोल वर्ल्ड प्लस यू कैन गेट ट्रीटेड 70 times better in society as compared to like the way you live currently. Okay, I hope you've done the second thing. The third one, <clears throat> the third one is okay, it is a bit toxic and it's just usually for females. Okay, you are supposed to talk to women. न नॉट वेन यू वॉन्ट ठीक है क्या होता है ना कि बहुत सारे आदमी तो बड़ी गलतियां करते हैं दे वॉन्ट टू टॉक टू फील एन दे लाइक दैम एंड टॉक टू देम यू आर सपोज टू बिग गोड मेकिंग स्टोरीज टू ठीक है बिकॉजेज वुड लव 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 टू लिसन मैन थिंग एज कंपेयर टू समन जस्ट साइलेंट समझ रहे इस चीज को तो औरतों को पसंद होती है चीजें सुनने में तो यू आर सपोज टू टॉक टू फीमेल एंड यू आर सपोज टू मेक स्टोरीज अप लेकिन इट शुड नॉट बीम तुम्हें स्टोरीज बनानी आनी चाहिए आनी चाहिए समथिंग समथिंग टू टू लर्न लाइक एक्सप्लेन टू पीपल क्योंकि लोगों को सुनना बहुत जब मैं गाड़ी में बैठा होता है इफ आई एम स्पीकिंग चारों लोग चुप होते हैं Guys, I bought a whatever backstory. Fuck it. But I was with four females, and I was explaining all of these things, and I was talking about things, and I saw all of them saying, "Hmm, I can see that on their face that they are serious about what I'm saying." So it's supposed to be a storyteller, and you know what? All of the things I said was just made up. <laughs> That's the beauty of it. People literally are not aware about it if you know how to say certain things in a certain way. ज ऑल अबाउट बींग रॉ ठीक है आई एम नॉट डेस्परेट फॉर एनी थिंग नाउ नॉट नॉट डिंग इट्स हार्ड फॉर मी टू गेट इफ जस्ट स्टॉट मेकिंग आठ मिनट के आई विल हायर द बेस्ट एडिटर्स ओके इंडियन एडिटर्स एक दम कि हर रोज एक वीडियो बनाओ साल के अंदर अंदर ए चीज पॉसिबल हो सकती है मैं उस एक लाख सब्सक्राइबर्स को ज्यादा जाना पसंद करूंगा जो मेरे इन तरह की वीडियोज हैं एज कम्पेयर टू दो थर्ड पॉइंट इज गेट गुड इन स्टोरी टेलिंग ठीक है और लड़कियों से बात जब करो जब तुम फ्री हो नॉट वेन यू वॉन्ट ठीक है जस्ट वेन यू कैन यू एक्चुअली कैन समझ रहे हो तो ये तीन चीजें थी आई होप यू अंडरस्टैंड रात को बात करो उनसे बिल्कुल करो रात को बात करो ओके okay? एंड बोलो कि मैं जिनमें से आधा एक घंटा फ्री होता हूँ आई एम वर्थिंग ऑल डे ठीक है काम जो कि तुम्हें तो करना भी चाहिए रात को एक घंटा फ्री हो तो शी गो ऑब्जर्व वन थिंग कि जो तो कि I'm be free at that time. रहे रहे वो एक्चुअली पसंद करेगी ना शीज गो ना भी अवेलेबल एट दैट टाइम ठीक है तुम्हारी करंट गर्ल फ्रेंड है उसको समझाओ कि हमें अभी फ्री एट दैट टाइम समझा के रखो चीज़ों को डोंट लिसन टू यूर गर्ल की अभी अभी बात कॉल 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 नहीं आई एम बिजी आई कैन कॉल यू एट दिस टाइम दिस इज़ माई फ्री स्लॉ यू कैन नॉट बॉद मी यू कैन नॉट आस्ट फॉर मी अटेंशन ऑल ऑफ दैट ठीक है अगर तेरे को मेरी अटेंशन चाहिए तो मेरे को सौ करोड़ खाते मिला के दे दे नहीं दे सकती तो जस्ट कीप यू माउथ शॉट आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ फॉर यू फॉर दिस फैमिली दैट वी कैन क्रिएट तो बोलना आना चाहिए सपोज जस्टिफाई थिंग्स अगर ये वीडियो में किसी लड़की ने देखी होगी ना शी वुड बी द वन दन हेट मी विद ऑल ऑफ हर हार्ट एनी वेज बट आई एम डिस्कलोजिंग द मैथड्स गाइज फॉर ऑल द मैन आउट देयर आई एम डिसक्लोजिंग द मैथड्स प्लीज यूज इट इट्स बी विद यू यूट सोना हेल्प यू ओके So that's all for this video. I'm gonna see you in the next one. Till then, peace. Apna